तो वहीं देश में हुए आम चुनाव के एग्जिट पोल सामने आने लगे हैं, जिससे बीजेपी काफी उत्साहित दिखाई दे रही है। अलग अलग एग्जिट पोल के मुताबिक देश में एक बार फिर से बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है और सभी एग्जिट पोल यही दावा कर रहे हैं कि इससे बीजेपी काफी उत्साहित है। वहीं उत्तराखंड में भी 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी कब्जा जमाते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन सभी को अब 4 जून का इंतजार है। वहीं पिछली बार उत्तराखंड में बीजेपी ने 5 सीट पर जीत हासिल की थी। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों में भाजपा के सभी 5 प्रत्याशी 2 गुने अंतर से जीतने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम एग्जिट पोल का सम्मान करते हैं। आज सिद्ध हो गया है कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की नीति पर जनता ने मुहर लगाई है। भाजपा 370 और एनडीए का 400 पार का जो नारा था वो सार्थक सिद्ध हो रहा है। प्रदेश में भी बीजेपी 5 सीटों पर जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है। हम एग्जिट पोल का सम्मान करते हैं। आज सिद्ध हो गया है कि सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण की नीति पर जनता ने मोहर लगाई है। भाजपा 370, एनडीए 400 पार का जो नारा था वो सार्थक सिद्ध हो रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आज देश के अंदर दुष्कर्म राजनीति करने वाले, भ्रष्टाचार करने वाले, भाई भतीजावाद, परिवारवाद और कुर्सी के लिए अपने दीन इमाम को त्याग करने वाले लोगों का करार जवाब जनता ने दिया है। 4 तारीख को देश के अंदर एक ऐसी सरकार बनने जा रही है जिस पर जनता का अथाह विश्वास है, जो देश के विकास के लिए रात दिन प्रयासरत है। देश के अंदर जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टिकरण की राजनीति करने वालों पर एक करारा तमाचा जनता ने लगाया है। हम आज के जैकेट पोल का सम्मान करते हैं।